Hello people, it's me Shan. Thank you so much for clicking on this video and welcome to my channel. Today we are going to talk about Stranger Things. Stranger Things is one of my favorite Netflix series. मेरे को season 1 बहुत पसंद आया था and मुझे season 2 भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था. अब season 3 का official trailer आ गया है and ये वहीं से शुरू होगा जहाँ से season 2 end हुआ था. And उसमें यही था कि जो season 2 end होता है तो एक monster दिखाते हैं upside down में. ऐसा लगता है कि सब ठीक हो गया लेकिन it's not gonna happen that way. So, Stranger Things Season 3, कुछ किसी भी तरह का मैं speculation नहीं करके जा रहा हूँ इस trailer में, क्योंकि Stranger Things 1, Season 1 देखने के बाद जो Season 2 में सोचा था कि इसमें ये होगा, वो होगा, ये हो सकता है, वो हो सकता है, वैसा कुछ भी नहीं हुआ था, it completely surprised me. So, मैं बिल्कुल blank जा रहा हूँ Season 3 में, and I'm really hoping कि जो सारे unanswered questions हैं Season 1 के, Season 2 के, वो सारे इसमें answer होंगे. This whole concept is really awesome and I'm really happy that Netflix is creating these amazing, you know, series hum sab ke liye. So that is really cool. So chaliye zyada baat nahi karte ho, let's watch Stranger Things season 3 official trailer. Here we go. He's my favorite. At least someone's happy at home. Oh. Some kind of electrical surge. Oh, they are pranking him. Must. इनके बैकग्राउंड स्कोर्स इतने ऑसम होते हैं ना, आई लव देम. रेड रेंजर. ओके. ओके, 11 इसकी फ्रेंड मिल गई है. We're just gonna sit in my basement all day? Engage for the rest of our lives? It's important to me that you feel safe. I want you to feel like this can still be your home. That monster. इस monster की बात कर रहा था मैं. He is like the ultimate boss of upside down. That's what I think. Okay, बहुत कुछ हो गया इस trailer में. सब तो नहीं cover कर पाऊंगा. It was way too much to, you know, take in. लेकिन सबसे पहले तो जो इसमें chemistry दिखाई है Dustin और Steve की, वो सीजन 2 में बहुत ज्यादा फेमस हुई थी एंड वो सीजन 3 में भी कंटिन्यू हो रहा है. सो आई रियली लव दैट, क्योंकि एक इतना बड़ा बच्चा और एक इतना सा बच्चा, वो दोनों आपस, मेरे लिए दोनों बच्चे हैं वैसे तो, बट एक इतना बड़ा और एक इतना बड़ा, वो आपस में ऐसे बिल्कुल चाइल्डिश हो जाते हैं दैट इट्स रियली फनी. इट्स रियली फन टू वॉच, यू नो, देयर केमिस्ट्री. सो वो इसमें कंटिन्यू हो रहा है, दैट्स रियली ऑसम. एंड जो उसकी इज्जत का फालूदा हुआ है ना, वहां पे लड़की भी कह रही है हाउ मेनी किड्स आर यू फ्रेंड्स विद. सो दैट वॉज रियली फनी. एंड बहुत सारी चीजें इसमें, विल अभी भी कहीं ना कहीं लिंक्ड है
अपसाइड डाउन से एंड वो इसमें भी दिख रहा है, इसमें इवेंट्स दिख रहे हैं दैट उसे विजन्स आ रहे हैं, ही इज स्केयर्ड ऑफ सम थिंग्स एंड उसने ऐसा कुछ है जो आई मीन समथिंग इज नॉट राइट विद हिम. वो सीजन टू में क्लियर नहीं हुआ उसके साथ, वो पूरा पूरे तरीके से ठीक नहीं हुआ, इसमें भी कंटिन्यू हो रहा है. सो आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन विद हिम. जो इलेवन है वो बहुत ज़्यादा जेलस थी ऑफ व्हाट वाज द नेम ऑफ द सिस्टर, ओके आई फॉरगॉट द नेम, लेकिन जो मैक्स यस मैक्स नाम होता है उसका, मैक्स और जो इलेवन होती है मैक्स से बहुत ज़्यादा जेलस होती है, लेकिन अब इसमें दिखा रहे हैं कि वो फ्रेंड्स हैं, वो साथ में हैं एंड दे आर डूइंग स्टफ टुगेदर. सो आई थिंक देयर इज प्रोग्रेस. अदर देन दैट जो मेरा फेवरेट सारे कैरेक्टर्स हैं, जो मेरा फेवरेट है दैट इज डस्टिन, एंड क्योंकि ही इज आई बिलीव इज द सुपर फनी एंड बहुत ही फन कैरेक्टर है उसका. सो आई थिंक यू नो ही इज ही विल ऑलवेज बी माय फेवरेट वन. एंड अगर हम बात करें जो इसमें शेरिफ हैं, अगर आप लोगों ने हेलबॉय वाली वीडियो नहीं देखी है सो प्लीज क्लिक एंड वॉच दैट. He is the same actor who is playing Hellboy, and you can see कितना difference है him, you know, जैसा वो Stranger Things में and जैसा वो Hellboy में दिख रहा है, it's completely different, and that explains that how amazing actor he actually is. So you know that's really good. And जो last में monster दिखाया है ना, बाप रे, season one में जो monster था बहुत खतरनाक था, season two में तो इतने सारे यू नो वो मॉन्स्टर आए थे उसमें से, जो लेबोरेटरी दिखाई थी उसमें, जो एक अंडरग्राउंड टनल वगैरह सब बना हुआ था वहाँ से इतने सारे मॉन्स्टर्स आए थे, दैट वाज रियली हॉरिफिक. एंड अब एक बिल्कुल ही अलग एंड किसी तरह का आई डोंट नो हाइब्रिड, बहुत ही ह्यूमन फॉर्म, क्योंकि जितने भी बाकी सारे मॉन्स्टर्स दिखाए उनका फेस जो है वो अजीब सा होता है, यू नो ह्यूमन फॉर्म नहीं होती है उनकी. इसमें जो दिखाया पूरा माउथ है उसका प्रॉपर, एंड इट्स लाइक यू नो वे मोर स्केरी. सो न्यू मॉन्स्टर्स एंड न्यू चैलेंजेस, एंड एक बचाने वाले सिर्फ एक ही है, आई मीन जिसके पास पावर्स हैं, दैट इज 11. एंड आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, इट्स रियली यू नो हॉरिफिक. एंड जैसे मैंने बताया बहुत सारी चीजें इस ट्रेलर में हो रही थी बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक, तो यू नो मैं सबके बारे में तो बात नहीं कर सकता हूँ, आधी से ज्यादा तो गायब भी हो चुके हैं मेरे दिमाग से, लेकिन दिस वॉज समथिंग मैन. इतनी इतनी चीजें हो रही हैं इसमें, एंड आई एम रियली सरप्राइज्ड कि इस ऐसे बच्चे, यू नो इतने छोटे छोटे बच्चे वो इतना कुछ कर रहे हैं, दैट इज सो अमेजिंग टू वॉच. जो यू नो जो मैं जो इनके जो इसके क्रिएटर्स हैं डूफर ब्रदर्स, मैं बहुत ज़्यादा यू नो मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई है स्ट्रेंजर थिंग्स के बारे में, एंड मैं बस ये कहूँगा कि उनका जो विजन है वो बहुत अच्छा है. एक ऐसी सीरीज बनाना बच्चों को लेके जो मतलब बहुत ज़्यादा, ये 1980s का टाइम दिखाया है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड उस वैसा उस तरह का वो विंटेज स्टाइल देना, विंटेज लुक देना, वो विंटेज चीज़ें कैप्चर करना, जैसे कैसेट्स दिखाना एंड पुरानी साइकिल्स दिखाना, पुराने व्हीकल्स दिखाना, पुराने हेयर स्टाइल्स, क्लोथ्स, स्कूल्स, तो आई एम रियली डिगिंग ऑल दैट. उनका ये जो यू नो स्टाइल है, यू नो ओल्ड यू नो 80s का जो स्टाइल है उनका दिखाने का, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, एंड आई एम यू नो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. इट्स रियली यू नो व्हाट डू यू कॉल इट, इट्स लाइक अ मैग्नेट टू मी, वो देख के मेरा मुझे और ज़्यादा देखने का मन करता है. सो दैट इज़ अ रियली गुड थिंग अबाउट देम. सो दीज यू नो ब्रदर्स आर रियली अमेजिंग, एंड आई रियली होप कि ये स्ट्रेंजर थिंग्स जैसी और कोई स्पिन ऑफ या इस तरह की, आजकल ट्रेंड भी है स्पिन ऑफ सीरीज बनने का, जैसे नार्कोस की नार्कोस मैक्सिको बना, ब्रेकिंग बैड का बेटर कॉल सॉल बना. सो उसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि स्ट्रेंजर थिंग्स का भी किसी ना किसी तरह का स्पिन ऑफ होना चाहिए, दैट विल बी रियली फन टू वॉच, एंड आई रियली होप कि क्रिएटर्स सेम रहे. सो दैट्स इट गाइज, प्लीज टेल मी योर थॉट्स, आप क्या सोचते हैं इस ट्रेलर के बारे में, एंड हाउ मच डू यू लव स्ट्रेंजर थिंग्स, प्लीज डू लेट मी नो. एंड जैसा मैंने बताया मेरा फेवरेट कैरेक्टर जो है इसमें वो डस्टिन है, आप मुझे बताइए कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है. सो दैट्स इट, वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करिए इस वीडियो को, कमेंट करिए इस वीडियो पर जो भी आप कहना चाहते हैं, एंड सब्सक्राइब करिए इस चैनल को अगर आप ऐसे वीडियोज और देखना चाहते हैं. एंड इफ यू वॉन्ट यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, स्टारडस्ट एंड ऑल द अदर सोशल मीडिया एप्स, ऑल ऑफ द लिंक्स आर मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो. And that's it. I'll see you soon in a new video. Till then, bye bye. Take care.